बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तनाज़ल से मुतल्लिक एक नया अपडेट आ चुका है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर कर दें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो नाज़रीन, जनवरी 2020 में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, यानी जो घरेलू मुलाजिम होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स में हाउस ड्राइवर आते हैं, जायके खास आता है, अमल मंजिली आता है, जो घरेलू मुलाजिम होते हैं वो इसमें आते हैं कि वो तनाज़ल ले सकते हैं। कुछ असूल थे, अगर वो उन असूलों पर पूरा उतरते हैं, अगर उनको ये परेशानी है तो वो तनाज़ल ले सकते हैं। उनको एक फॉर्म दिया जाता था, आपने वो फॉर्म फिल करके वो जमा करवाना होता था, उसके बाद आप एक कफ़ील से जो है वो दूसरी कंपनी में भी आप तनाज़ल ले सकते थे और आपका प्रोफेशन भी चेंज हो सकता था। अगर वो आपके जो असूल थे, आप अगर जो डिमांड्स सऊदी गवर्नमेंट की, अगर आप उन पर पूरा उतरते हैं तो आप एक कंपनी में भी तनाज़ल ले सकते थे। मगर इससे मुतलिक अब अपडेट आ चुकी है, 18 मई 2020 की ये अपडेट है। अथेंटिक न्यूज़ सोर्स से ये अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने वो तनाज़ल अब रोक दिया है। डोमेस्टिक वर्कर्स अब वो तनाज़ल नहीं ले सकते, जो 4 महीने कानून रहा अब वो उनके लिए ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट आ रही है वो ये है कि जो 4 लेबर थी जिस कफील के पास, जिसे छोटा मसस्सा कहा जाता है, उनसे मतलब ये अपडेट आई थी पहले कि 5 साल के लिए उनका जो अकामा, जो फ़ीस है, वो टोटल 100 रियाल कर दी गई है। तो उनके मतलब भी ये अपडेट आ रही है कि वो भी अब ख़त्म होने वाली है या ख़त्म कर दी गई है। जो पहली बार जो अकामा रीन्यू हो गया सो हो गया, अब जो नेक्स्ट बाकी 4 साल हैं वो 100 रियाल में जो है वो उनकी जो फ़ीस है वो 100 रियाल नहीं होगी। ये मुझे 100% कन्फर्म नहीं है, बहरहाल मज़ीद मैं इस पर अपडेट देखूंगा, सर्च करूंगा, अगर ये मुझे कन्फर्म हुआ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।